बार गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। पहले की सरकारें सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार जैसी योजनाएं लाती थी ताकि कोई भी पीछे न रह जाए, लेकिन मोदी जी की नीतियाँ आम आदमी को पीछे खींचने का ही काम कर रही हैं। मोदी सरकार ने एक नया फैसला लिया है जिसने पढ़ाई करके आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। अब पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने पर सरकार 12% GST लेगी। किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले छात्रों को परेशान करने का मोदी जी का ये नया फॉर्मूला है। गब्बर सिंह टैक्स वसूलने के सरकार के इस फैसले से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। वर्तमान में छात्रों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है 12% GST हॉस्टल से लगा देना, जो कि हॉस्टल में मोस्टली हॉस्टल LPGs में वीक सेक्शन से बच्चे आते हैं जो लोन लेके फीस भरते हैं और फिर यहाँ हॉस्टल लेके रहते हैं, उन पे पहले लोन पे टैक्स लगाओ और उसके बाद हॉस्टल LPGs पे टैक्स लगाना, और जबकि छात्र यहाँ पे खाने पीने से लेके सब कुछ पे टैक्स दे रहा होता है। सरकार अच्छे दिन की बात करती थी लेकिन सरकार ये बताना भूल गई कि किन के अच्छे दिनों की बात कर रही है, ये छात्रों के, गरीब लोगों के या अंबानी अडानी के अच्छे दिनों की बात कर रही है। महंगा यही की बात है कि पहले इतना टैक्स दे के लोन लेके पढ़ो, उसके बाद हॉस्टल में रहने में इतना टैक्स भरो, उसके बाद इतना 4-5 साल लगाने के बाद भी नौकरी का कोई आश्वासन है ही नहीं बिल्कुल भी। मुझे तो लगता है कि मेरे ऐसे लोगों को मतलब यहाँ फिर मुझे शायद घर बुला लिया जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ कि 10,000 से 1 रुपया फालतू देना मतलब मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी बात है, और ये रियलिटी है एग्जैक्टली कि वो 10,000 भी जैसे कैसे देते हैं मुझे पता है। मैं किसान परिवार से आता हूँ और ऐसे मेरे से तमाम छात्र हैं, तमाम लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं ऐसे जो DU पढ़ रहे हैं जिनका 8,000-6,000 घर से पैसे आ रहे हैं। अब बताइए कि अब जब उन पर GST लगा दी जाएगी तो वो कैसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से सवाल भारत सरकार से, क्या आप बताइए यहाँ के मजदूर लोग ना पढ़े? आप वही चाहते हो कि जो पहले वो मजदूरी करते थे एक मजदूर का बेटा मजदूरी बनकर रह जाए? एक स्टूडेंट की बात नहीं है, इस देश में जितना भी गरीब तबका है, एक बंदा है जो 25,000 रुपए सैलरी ले रहा है, आप बताइए जो 25,000 सैलरी ले रहा है यहाँ पे 2 BHK फ्लैट का रेंट है 20,000, वो 20,000 वहाँ देगा उसके ऊपर 12% GST देगा तो खाएगा क्या? वो नौकरी तो आप प्रोवाइड कर नहीं रही है। इस देश में आप देख सकते हैं कि एजुकेशन को, पहले तो एजुकेशन को कटाने की कोशिश की जा रही है, नौकरियां आ नहीं रही हैं, तो एक आम आदमी कैसे जीवित रहेगा? ये सब्जियों की बात आती है तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके अंतर्गत ये जो फैसला आया है वो कहती है कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती, तो अब तो वो ये भी कहेंगे मैं PG और हॉस्टल में रहती, वो तो सीधा उनको सरकारी कोठी मिली हुई है, उनको तो कोई इस चीज से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? इस गरीब को है, दिक्कत किसान को है, दिक्कत मजदूर को है, और उसके पढ़ने उसके जो उसका बेटा या कोई भी जो बाहर पढ़ रहा है दिक्कत उसको है। ये काफी गलत फैसला है, इससे जो स्टूडेंट जो अंदर छात्र है जैसे हम मेरे जैसे कई और भाई होंगे उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि बड़े शहरों में रहना खाना सब बहुत महंगा है। अगर उसी गवर्नमेंट अगर 12% लेगी और उसकी जो ये रूम के जो ओनर है या फ्लैट के जो ओनर है तो वो हमसे ही वसूलेंगे। अगर ऐसा होगा तो भाई रहना हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तो हमें जो पढ़ाई अपनी खत्म करनी पड़ेगी।